पेयजल को लेकर महिलाओं का हंगामा। मानलगढ़ उपखंड के काछुला उप तहसील कस्बे की नई आबादी व वार्ड नंबर 12 में पेयजल समस्या को लेकर महिलाओं व ग्रामीणों ने जमकर जलदाय विभाग के प्रति रोष प्रकट करते हुए हंगामा किया और नारेबाजी करते हुए संपूर्ण मामले की जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को दी। कस्बे के रामेश्वर प्रसाद आचार्य ब्रजेंद्र सिंह सहित महिलाओं ने बताया कि 2 माह से पेयजल आपूर्ति के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में जलदाय विभाग के मानलगढ़ के JEN आनंद कुमार टेलर को अवगत करा दिया है, परंतु इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। साथ ही पेयजल आपूर्ति के दौरान विगत 2 माह से जब पेयजल सप्लाई की जाती है तब विद्युत कटौती कर दी जाती है, जिससे छत पर रखी हुई पेयजल टंकियों में पानी भरने में प्रेशर से पानी नहीं आने से बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बार बार उक्त समस्या को लेकर जलदाय विभाग के ठेकेदार व अधिकारी कर्मचारियों को अवगत कराने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा। इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को दूरभाष पर समस्या समाधान की मांग की है। अगर समय रहते हुए विभाग ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो शीघ्र ही महिलाएं उप तहसील कार्यालय के बाहर धरने पर बैठेंगी पेयजल समस्या समाधान को लेकर। वहीं ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के प्रति नारेबाजी करते हुए अपना रोष प्रकट किया और पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से सुव्यवस्थित करने की मांग की। ये हमारे यहाँ काचल्ला के अंदर वार्ड नंबर 12 में जब नल आता है उस टाइम लाइट काट दी जाती है, 2 महीने से ही चल रहा है। इधर आस पास में पानी भी नहीं है, इधर तो वो अच्छा की आधा किलोमीटर, इधर भी आधा किलोमीटर से वहाँ से पानी लेके आते, 2 महीने हो गए, 2 महीने से नल आता है उस टाइम में घंटा लाइट काट देते हैं। अभी पानी कहाँ से लेके आ रहे हैं सब लोग? पानी इधर से लेके आते हैं, कुएं से आते हैं, इधर से लेके आते हैं। विभागीय अधिकारी कर्मचारी को कहा क्या आपने? बोला था सुना ही नहीं, की कोई सुनता नहीं है, 2 महीने हो गए। ये हमारे यहाँ काचल्ला के अंदर वार्ड नंबर 12 में जब नल आता है उस टाइम लाइट काट दी जाती है, 2 महीने से ही चल रहा है। इधर उधर आस पास में पानी भी नहीं है, इधर तो वो अच्छा की आधा किलोमीटर, इधर भी आधा किलोमीटर से वहाँ से पानी लेके आते, 2 महीने हो गए, 2 महीने से नल आता है उस टाइम में घंटा लाइट काट देते हैं। अभी पानी कहाँ से लेके आ रहे हैं सब लोग? पानी इधर से लेके आते हैं, कुएं से आते हैं, इधर से लेके आते हैं। विभागीय अधिकारी कर्मचारी को कहा क्या आपने? बोला था सुना ही नहीं, की कोई सुनता नहीं है, 2 महीने हो गए। पॉपुलर न्यूज ऐप से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।